एक मीटर लंबे पंख पर सवार ट्राइपॉड मछलियाँ कई और चीजें बनाती हैं इन्हें खास। दुनिया भर में हजारों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। 5600 से अधिक मछलियों की प्रजातियाँ अकेले नेट्रो ट्रॉपिकल में निवास करती हैं। व्हेल जैसी मछलियाँ अपने भारी भरकम शरीर के लिए चर्चा में रहती हैं, जबकि शार्क मछली के हड्डी नहीं होती। पर क्या आपने किसी ऐसी मछली के बारे में कभी सुना है जिसके पंख होते हैं? पंख छोटे भी नहीं, लंबे मजबूत, जिसकी मदद से वे खड़ी भी हो सकती हैं। और जब ये मछलियाँ इन पंखों की मदद से खड़ी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि तिकोना ट्राइपॉड लगा हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोधकर्ताओं के एक समूह ने गहरे समुद्र से सबसे असामान्य समुद्री जीवों की खोज की है, जिसने उन्हें हैरान कर दिया है। समुद्र के सबसे गहरे जीवित मछलियों में से एक ट्राइपॉड मछली अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय महासागरों में व्यापक रूप से पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक जोड़े की पहचान की गई है। ये मछली सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बाथिप टेरॉइस ग्रेलेटर नाम की ये मछली 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कभी कभी इसे अन्य साथी ट्राइपॉड मछली के साथ समुद्र तल पर चुपचाप बैठे देख सकते हैं। ये मछलियाँ कई प्रकार से खास हैं। इनके लंबे बोने पंख और पूंछ 1 मीटर तक फैल सकते हैं, और इन्हीं मजबूत पंखों की मदद से ये मछली खड़ी भी हो सकती है। हालांकि जब ये मछली तैर रही होती है, तो उसके नीचे लंबे पंख धीरे धीरे और थोड़े अजीब तरीके से तैरते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊपर अपने पंख की मदद से पूरी तरह से स्थिर बैठकर बाथिप टेरॉइस ग्रेलेटर मछली छोटे झींगे, मछलियों और क्रस्टेशियंस का शिकार करती है, और यही इनका भोजन है। कुछ रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ये ट्राइपॉड मछलियाँ अपने शिकार को आते हुए नहीं देख पाती। अत्यधिक अंधेरा होने के कारण व्यावहारिक रूप से इनकी आंखों के लिए ये किसी कठिन काम जैसा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लंबे पंख कीचड़दार तलछट में जीवों के पास आने से होने वाले कंपन को महसूस कर सकते हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे, चूँकि इन मछलियों की आँखें ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। ऐसे में इन्हें पेक्टोरल पंखों का जोड़ा जो उनके सिर के ठीक पीछे होता है, वो एंटीना की तरह काम करता है और आने वाले शिकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। है ना बेहतर करिश्मा। एक बात जो इन्हें खास और इन मछलियों में उभयलिंगी भी होती है, जिसका मतलब है कि साथी न मिलने पर वे स्वयं प्रजनन भी कर सकती हैं। यकीन मानिए, इन मछलियों को देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। पर देखेंगे कैसे, क्या आपके पास पनडुब्बी है? क्योंकि ये अधिकतर समुद्र तल के पास ही पाई जाती है।